अनरिवीलिंग होने जा रही है नई बाइक की। गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम सब लोग फाइनली जा रहे हैं मेरी बाइक की डिलीवरी लेने, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन। तो सब तैयार हो चुके हैं, तो ऐसे ही चलेगा नाया। मैं कह रहा हूँ तेल लगाया मैंने अभी, मेरी जलन हो रही है पूरे फेस पे। okay. खाल जल गई मेरी। ओके। जिस दिन तू बुक करवा गया इस दिन भी यही कपड़े थे मेरे, आज भी यही कपड़े। सेम कपड़ों से क्या होता है, तू भी तो सेम है। अम्मा कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बड़ी अजब लगेगा जब उस पे मेरे को घुमाएगी बिठा के। अभी बढ़िया नहीं लग रहा? दे दो ना, अभी तो बढ़िया ही है, मतलब और बढ़िया लगेगा ना। मैं भी घूमू भाई तेरे साथ, तो घुमा दूंगी उसमें, क्या है। हाँ ठीक है। तो भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं शोरूम पे। कामी भी हमारे साथ आए हैं और रास्ते से नारियल ले लिया था। और उस दिन की तरह गाड़ी इस साइड पार्क करिए क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। वोरा शोरूम, वोरा। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨੀ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਨੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। तो मैं फाइनली रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे आ चुकी हूँ और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा पसीना भी नहीं सूख रहा। पुराने वेरिएंट हो। तो हमारी बुकिंग हो चुकी है, बस अभी 5-7 मिनट में हम जाएंगे अपनी बाइक लेने। अच्छा लग रहा है बहुत। कैसा लग रहा है तेरे को? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे बस। क्या यकीन नहीं हो रहा? कभी मैंने सोचा था बहुत टाइम पहले बचपन में कि मैं खुद की बाइक लूँगी। बचपन में? कितने बचपन में? बचपन में जब मैं स्कूल में थी, 8वीं 9वीं में। ये जब 20.5 साल की थी उस बचपन में। तो अब यकीन तो करना पड़ेगा ना, अब तो करे ले यकीन। हम शोरूम पे खड़े जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू। तो वो बाइक कौन सी हो सकती है? क्या वो बाइक ये हो सकती है? ना भैया, क्या वो बाइक ये है? वो तो यही बताएगी। स्वाति मैम, क्या वो बाइक ये हो सकती है? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? इस पे तेरे पैर नहीं पहुँचेंगे ना। अरे वो डबल स्टैंड पे है, सिंगल पे। अरे नहीं पहुँचेंगे, हिमालयन है ना ये। क्या वो बाइक ये हो सकती है? ये तो है ऑलरेडी। क्या वो बाइक ये हो सकती है? क्रैम हो सकती है, मुझे पता है। या वो बाइक नीचे खड़ी है, उनमें से नीचे वाले में से हो सकते हैं क्योंकि नीचे तो डिलीवरी लेंगे। चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ कौन सी है, बता दूँ? जब पर्दा हटेगा तभी पता चलेगा। तो गाइस ये वो बाइक है, मारेगी है मेरे को नहीं तो मैं बता देती हूँ। तो गाइस वो बाइक है ये वाली, तो हाँ जो हम डिलीवरी ले रहे हैं वो बाइक ये वाली है, ये वाली बाइक। और यहाँ पे ये छोटा सा फैन रचिता। मैंने ये फायर वर्क्स मंगाए थे, कितने हैं भैया ये? 4 हैं। और भी कुछ है? नहीं बस ये। ये क्या, ये अलग है? ये स्टाम में रखते हैं। ये स्टाम में रखते जैसे एक पीस ना चले कोई। अच्छा एडिशनल है भाई, अगर एक पीस ना चले तो दूसरा चला दिया जाएगा। और ये इसकी बैटरी, ये इनकी बैटरी है, ये बैटरी से चलेंगे। चल खुले में करवा लेते हैं, वहाँ तो नहीं हो पाएगा, फायरवर्क्स वहाँ नहीं लग पाएंगे क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, आग वाग लग जाएगी यहाँ पे। तो बाइक फिर से कवर हो रही है, वहाँ से हट के यहाँ पे ले आए हैं। बाइक को हटा दूँ क्या अभी? पर्दा फिटना है तो हटा दे, बस टायर देख के पहचान लो, कोई नहीं। तो गाइज वो फायरवर्क्स लगा रहे हैं भैया। फाइनली पर्दा उठने जा रहा है और अभी तक भी मेरे पास इतने भी रुक गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब जो इतने टाइम से सोचा था वो चीज़ अब हो रही है जाके पूरी। ब्लॉग बना ले तू, आगे से हट जा, खड़ी रहे घंटे से। मेरा तो 1 TB है, कर लेगा रिकॉर्ड, तू गिन जाओगी। ये भी 512 GB है, मेरा ही है वो। तो ये होने जा रही है स्वाति की बाइक की अनबॉक्सिंग। चलो भाई स्वाति। 1, 2, 3 एक्शन। नारियल तोड़ेगी अभी, तोड़ देगी एक बार में।
बहुत बढ़िया बधाई हो, थैंक यू। अपना फैलाया हुआ खुद ही उठाना पड़ता है। स्वच्छ भारत अभियान। कई लोग कमेंट करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि ये नई गाड़ी नहीं है, ये नई बाइक नहीं है, इस पर नंबर प्लेट लगा हुआ है। तो गाइज आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नया रूल है कि जब शोरूम से गाड़ी या बाइक या कोई भी व्हीकल बाहर निकलेगा तो उस पर नंबर प्लेट होना कंपलसरी है। तो इसलिए नए व्हीकल पे नंबर प्लेट लग के ही वो बाहर आता है। Unless and until तुम बुकिंग भी सैटरडे या संडे को कराओ, डिलीवरी बॉय से दिन लो, तो नहीं होता। हां, क्योंकि मतलब उस दिन आरटीओ बंद होता है। 99% अब ऐसे मिलती है बाइक नई। अगर नहीं यकीन हो ना भाभी, चाबी लगा, इसे किलोमीटर दिखा, चाबी लगा, किलोमीटर दिखा, कितने किलोमीटर चली है, उससे पता लगेगा ना। ये देखो गाइस, 0.1 किलोमीटर चली है, ये थोड़ा बहुत यहाँ से इधर उधर हुई होगी तो उसका है ये। और भाई ये बुलेट वालों ने, मतलब रॉयल एनफील्ड वालों ने हेलमेट दिया है कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इसमें शीशा नहीं दिया। तो दिस इज़ माई कंप्लेंट बुलेट वाले कंपनी को, इसको रॉयल एनफील्ड की कंपनी को। अरे कम से कम शीशा तो लगा दो, अलग से 350 रुपये का लगवाना पड़ता है। चल कांग्रेचुलेशंस मजा आयो। कांग्रेचुलेशंस भैया, बड़ी चाबी। सुन सुन सुन, एक बार इस पे बैठ के तो दिखा दे, एक बार इस पे बैठ के तो दिखा दे। भाई मस्त लुक है बाइक की, देखो कितनी अच्छी लग रही है बाइक। तेरे पैर तो पहुंच भी नहीं रहे, कैसे चलाएगी? अब स्वाति तेरे को खींच के तेरी हाइट बढ़ाएंगे हम थोड़ी सी। अब ठीक है, जो हाइट है वो है, क्या कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, कांग्रेचुलेशंस। चिनू का पे एक गाना बनाया था मैंने, मस्त बाद में सुनाऊंगा। अच्छा, YouTube की कमाई से है या कैसी कमाई से है? या ओवरऑल कमाई से है? या जो तू मेडिकल फील्ड से कमा, मेडिकल वाला ओवरऑल कमाई टोटल मिला के ज्यादा परसेंटेज किसका, YouTube का या फिर तेरी जॉब का? 50-50 है। ओह माय गॉड, चलो गाइस फोटो खिंचवाते हैं। तो वही स्वाति बहुत खुश हो रही है, खुशी में इसके आज इतने पसीने छूट रहे हैं ना। पहले तो ठीक से खींचते हैं। तो भाई अभी निकलते हैं घर पे, हम तो जाएंगे गाड़ी में और स्वाति आएगी अपना नई बाइक पे। ठीक है भाई स्वाति, आपसे पहले पूछोगे साथ साथ? ठीक है, ये तो डाले लगा दिखाएगी, नया हेलमेट लेके आई हूँ स्वाति, लगा रहने दे, नया है। तो भाई ये देखो स्वाति, स्वाति ने बाइक जैसे ही निकाली और तभी बारिश शुरू हो गई है, ये देख लो बारिश। तो भाई पेट्रोल डलवाया अभी मैंने, इसमें गैस बन गई थी, जब मैंने खोला ना तो एकदम से ऐसे पूरा पेट्रोल मतलब बाहर आ गया इस पे। तो पेट्रोल पंप वाले भैया बोल रहे थे कि गैस बन गई थी, नई गाड़ी में बन जाती है। तो पेट्रोल डलवा लिया है मैंने अभी इसमें और हम फिर घर जाएंगे। और ये देखो बारिश हो गई, बाइक की फर्स्ट बारिश की, वो क्या बोलते हैं, सावन की बाइक की पहली बारिश। रास्ता पता है तुझे? रास्ता पता है। हाँ, तो फिर तू आगे आगे रहे बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार, नीए पट खान पीते पंगे जान जा लेंदे, असि बैठे आ बरखाया बंदे उठने नी देंदे, नशे पत्ते कोलों दूर यारी दा सुरूर, मैं कठा दा परोले जिथे वटदा आ कूर रखे दूर, ते जट ने निशाने जट्टीए लगे टीसी वाले फेर ते यराने जट्टीए नी। तो भाई बाइक अपने घर आ चुकी है और ये देखो इसकी हालत क्या हो गई है,
बिल्कुल भी पूरी बिल्कुल पूरी मिट्टी में हुई है, लग ही नहीं रहा कि नई बाइक है। कोई नहीं, अब इसको बहुत देर हो गई है खड़े, इसका इंजन भी ठंडा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा धो दूंगी। तो नंबर प्लेट देखो, ये नंबर प्लेट ली है जो कि है 7111, और ये ऑलरेडी हमारे घर में तीन पहले से थी, एक और नंबर प्लेट हो गई क्योंकि रचित ने सारी गाड़ियों की नंबर प्लेट यही ली है। तो देखो स्कूटी की भी ये है, एंड दिस एक्सयूवी आल्सो हैज़ दिस नंबर, और एक और गाड़ी है अपने पास टिगोर, उसका भी यही नंबर है, और अभी बाइक का भी यही हो गया।